Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So in today's video I'm going to review this Lakme sunscreen, Lakme Sun Expert SPF 50 PA triple plus sunscreen, which is a ultra matte gel. एंड ये कहता है कि ये है क्विक एब्जॉर्ब नॉन स्टिकी ऑल स्किन टाइप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एक सनस्क्रीन. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है. तो इसका जो रिटर्न प्राइस है वो है 325 रुपीज़ MRP. बट आप जब भी ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिल ही जाता है. जैसे कि मैंने इसको नायका से ख़रीदा था तो मुझे 299 या 290 ऐसा कुछ पड़ा था. इसका शेल्फ लाइफ है ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, मतलब कि एग्जैक्ट अगर बताए तो 2 ईयर्स और 11 मंथ्स का इसका शेल्फ लाइफ है, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स. एंड इसका जो क्वान्टिटी है वो है 50 ग्राम्स. इस ट्यूब के पीछे आपको सारा इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाता है जिसको मैंने चुन चुन के पढ़ा है, और कहीं पे भी मुझे कोई भी पैराबिन का नाम जो है नहीं दिखा है, मिथाइल पैराबिन या फिर प्रोपाइल पैराबिन. एंड एक अच्छी चीज़ मुझे दिखी है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, वो है नायसिनामाइड. नायसिनामाइड हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, तो आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे में नायसिनामाइड ऐड किया जा रहा है. तो ठीक है, ये तो हो गया इंग्रेडिएंट लिस्ट. अब बात करते हैं कि इसका स्मेल कैसा है. इसका स्मेल मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइट स्मेल है एंड अच्छा स्मेल है. एंड ये अल्ट्रा मैट जेल है, तो अगर आपका कोई भी स्किन टाइप हो, चाहे ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, कुछ भी हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मेरा पर्सनली, मेरा जो स्किन टाइप है वो ड्राई स्किन टाइप है, बट मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से सूट कर जाता है ये. स्किन में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने के बावजूद स्किन में हाइड्रेशन देता है. एंड इसको अप्लाई करने के बाद जब भी मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो करता है, एंड वो ग्लो पूरा दिन रहता है. तो मैं इसका टेक्सचर जो है आप लोग को शो कर देती हूँ. तो सो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर इज़. आप देख सकते हो पूरा जेल है, ये जेल क्रीम आप बोल सकते हो. तो पहले लैक्मे में जो क्रीम्स आते थे सनस्क्रीन, वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो क्रीम होता था एंड चिपचिपा सा लगता था. अभी मैं इसको पूरा आपको दिखा देती हूँ कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है. अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये मैंने अप्लाई कर लिया है, जितना भी मैंने हाथ में लिया था मैंने पूरा इसको अप्लाई कर लिया है. एंड अभी ये जेल की तरह चकमक चकमक कर रहा है, कुछ देर में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड उसके बाद ये स्किन में एक ग्लो देगा. तो आपका कोई भी स्किन टाइप हो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है स्किन के अंदर, एंड कोई चिपचिपा ये फॉर्म नहीं छोड़ता या फिर कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता. सनस्क्रीन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें दिखता है वो है, एक है चिपचिपापन एंड सेकेंड है वाइट कास्ट का प्रॉब्लम. तो इस सनस्क्रीन में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा. तो इसके लिए ये वाला सनस्क्रीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. हाँ, थोड़ा सा प्राइस आप कह सकते हो कि ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है. बट हाँ, ऑफ़र में ख़रीद लीजिए एंड एक बार खरीदे, बट प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा. सो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर द प्रोडक्ट, माई शॉर्ट रिव्यू. इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाई.